हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार की तरफ से नया एक योजना जो कि चालू किया गया, जिसका नाम है स्टार्टअप बिहार। इसके मदद से आपको 10 लाख जो कि लोन अमाउंट दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम फुली चर्चा करेंगे, किन किन लोगों को जो कि दिया जाएगा और अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा और किस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर क्या प्रोसेस करना हो, फुली प्रोसेस हम बताएंगे जो कि स्टार्टअप बिहार में। मैं आपको बता दूं, फुली प्रोसेस आपको जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो पूरे लास्ट तक आपको देखना होगा। गाइस, यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि पहले उद्यमी योजना जो कि जिस तरह से चल रहा था उसी का जो कि उसी तरह से यह जो कि स्टार्टअप बिहार योजना जो कि चलाया जा रहा है। उद्यमी योजना में होता था कि वहां पर आपको 5 लाख जो कि आपको माफ जो कि दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 10 लाख जो कि लोन अमाउंट जो कि उद्यमी जो कि स्टार्टअप बिहार में जो कि दिया जाता है, 10 लाख रुपया जैसे आपको दिया जाता है, 10 लाख आपको रीपेमेंट करना होता है। बट यहाँ पर यह है कि इंटरेस्ट 0%, यानी कि 10 लाख लोन अमाउंट आपको दिया जाता है, तो 10 लाख ही आपको रीपेमेंट करना है, जो कि छोटे छोटे आसान किस्त में आपको इस पैसे को चुकाना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा, डिटेल में हम बात करेंगे। जैसे बहुत लोग ज्यादा कमेंट कर पूछे भी है, ठीक है, और बहुत लोग के अंदर ये भी डाउट है जैसे कि मेरा पहले से कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस के नाम पर मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं, ये भी चीज मैं चर्चा करूंगा। अगर आप लोग भी स्टार्टअप बिहार की मदद से लोन लेना है तो इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा। इसके बारे में फुली जो भी गाइडलाइन जो कि हमने पढ़ा है वो भी चीज फुली प्रोसेस हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो भी हमें पढ़ा है, जो हमें समझ में आया, आपके बीच में जानकारी देने की क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ गलत भी हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं गलत जानकारी देने की कोशिश नहीं करता। इनकेस मिस्टेक में हो जाता है तो माफ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको फुली प्रोसेस जो भी बताऊंगा 100% सिक्योर बताऊंगा, जो कि स्टार्टअप बिहार की मदद से लोन के लिए आपको किस किस कागजात की जरूरत पड़ने वाला और कैसे आपको अप्लाई करना, यानी कि अगर आपका गवर्नमेंट आएगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता भी देंगे अप्लाई करके, फिर भी इस जो कि इससे आपको बेनिफिट क्या होगा ये भी चीज हम चर्चा करेंगे। तो सुगाइज वीडियो करेंगे शुरू, बट उससे पहले प्यार हमारा छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर पा रहे होंगे तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन घंटी को दबाएंगे, ऑल पे आप प्रेस कर देंगे। सुगाइज चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो कि उद्यमी योजना जो कि चलाया जा रहा था, ठीक है, तो उस तरह से सेम प्रोसेस वही है जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं स्टार्टअप बिहार के नाम में जो कि नया योजना जो कि चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं उद्यमी योजना में जैसे कि आपको 5 लाख रुपया जो कि माफ कर दिया जाता था, जो कि जैसे 10 लाख आपको लोन अमाउंट होता है तो 5 लाख माफ हो गया, 5 लाख ही आपको रिपेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर जो कि स्टार्टअप बिहार में की लगाया है नियम की जो कि आपको 10 लाख लोन अमाउंट दिया जाता है तो 10 लाख आपको रिपेमेंट करना होगा और इंटरेस्ट आपको यहाँ पर एक भी पैसा पे नहीं करना होता, यानी कि 10 लाख आपको लोन अमाउंट दिया जाता है तो 10 लाख ही रिपेमेंट करना है। अगर अभी अगर उद्योग लगाना चाहते, नया खुद का बिजनेस तैयार करना चाहते हैं तो आप जो कि स्टार्टअप बिहार की मदद से लोन ले सकते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक भी पैसा एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का रोजगार आप करना स्टार्ट चाहते हैं तो स्टार्टअप बिहार की मदद से आप लोग 10 लाख लोन अमाउंट ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं जो कि यह योजना इसलिए चलाया जा रहा है, जो कि नई नई योजना इस तरह इसलिए चलाया जा रहा है कि सारे लोग जो भी हो, ठीक है, बेरोजगार ना रहे, अपना खुद का स्वयं जो कि रोजगार करे और 2-4 लोगों को जो कि वो भी रोजगार दे, यानी कि गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न है, कुछ न कुछ कामे में हाथ बटाकर वो अपना इनकम करते रहे। इसलिए अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो स्टार्टअप बिहार की मदद से 10 लाख लोन अमाउंट लेकर खुद का जो कि आप बिजनेस कर सकते हो, उसमें 2-4 लोगों को आप उसमें नियुक्त कर सकते, बहाली कर सकते, जिससे क्या होगा कि वो अपना पालन पोषण कर सके। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको तो इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या रखा गया है, जैसे कि आप 12th पास है तो 12th पास पर, और जैसे कि आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर स्टार्टअप बिहार की मदद से लोन दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर मैं आपको आपके अंदर ये भी डाउट है कि पढ़ा लिखा क्यों मांगा जाता है, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं इसलिए मांगा जाता है जैसे कि आप बड़ा जैसे 10 लाख लोन अमाउंट दिया जाता है तो उसने हिसाब से आपको बिजनेस भी करना होगा। जो आपका बिजनेस होगा जो कि 10 लाख अगर बिजनेस आप करते हैं तो उस हिसाब से कोई हिसाब भी आपको आना चाहिए, जैसे कि आप कितना कहाँ माल जाना है, क्या करना, इसको कुछ ना कुछ आपको मल्टीपल भी कुछ आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो कि आपको क्वालिफिकेशन खोजा जाता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 12th पास है तो आपको दिया जाएगा पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है। आपके अंदर ये भी डाउट होगा जैसे कि पहले से मेरा जो कि बिजनेस जो कि चल रहा है तो इस बिजनेस के नाम पर हम ले सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक चीज आप जान लीजिए, जब भी आपको यहाँ पर जो भी लोन अमाउंट दिया जाता है नए उद्योग के लिए, जैसे आप वहाँ पर शो करते हैं कि मेरा पहले से जो कि चल रहा है इसी पर मैं लोन लूंगा, तो आपको नोट इजिबल बता देगा, यानी कि फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर गलत से आप जो कि आपका ले भी लेता है तो बाद में जाकर वेरिफिकेशन टीम आएगा तो आपको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत नोटिफिकेशन में फाइनल बता दिया जिनका खुद का किसी तरह का कोई काम करते भी नहीं है उनके लिए है, ठीक है। जो लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, भले पान का गुमती क्यों ना खोले, वो रोजगार में लगे हुए हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, तो उनके लिए योजना को लाभ नहीं दिया जाएगा।
मैं आपको बता दूं, अगर आप चलाते हैं ठीक है, अगर चलाते हुए फिर भी वहां पर नो एंट्री करते हैं तो आप नया अप्लाई करके दूसरे जगह पर नया सेटअप तैयार कर सकते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसी बिजनेस को आप बड़ा ग्रो में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल में आपको वहां पर पूछा जाता है कि आपको पहले से कितने दिन से पहले आपको बिजनेस के अनुभव है, तो वहां पर आपको जीरो देना है। और जैसे कि वहां पर पूछा जाता है, जैसे एक सर्टिफिकेट आप अपलोड करते हैं उस पर भी यहां पर जैसे कि अपलोड करते समय भी आपसे डिमांड किया जाता है कि क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहने के बाद आप कितने दिन से बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड फिलहाल में अभी नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको तो इसलिए नहीं करना है कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड कर दे तो समझ जाएंगे कि पहले से कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहा है, तो इसके लिए इसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ठीक है। इसके लिए आपको अपलोड नहीं करना, सिर्फ जो कि आपका क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपके अंदर डाउट जो भी होगा ठीक है, सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, कमेंट कर बताइएगा। फिलहाल में जो भी आया था मैं आपको बता दूँ ठीक है। यहाँ पर आपको फिलहाल पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा, उसके बाद बैंक का कोई चक्कर नहीं है इसमें, घर बैठे आपको सारा कुछ आप अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल फोन की मदद से। अगर आपका कमेंट है तो हम स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके आपको लाइव बता भी देंगे ठीक है। उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा फिलहाल अप्लाई करेंगे तो उसमें फुली डिटेल बताएंगे। फिलहाल हमने नोटिफिकेशन पढ़ा है, इसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ, जो कि बैंक आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ठीक है, उसके बाद कुछ ना आपको एक सप्ताह 10 दिन का 15 दिन का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा या 1 मंथ का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। उस ट्रेनिंग के पश्चात आपको एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उस सर्टिफिकेट का आपको क्या होगा जो कि आपको गवर्नमेंट एक संस्था को वहां जमा करना होगा। उसके बाद आपको क्या होगा, पैसा जो भी बैंक अकाउंट आप जैसे दिए होंगे उस बैंक अकाउंट में पैसा कुछ भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा ठीक है। तो बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बैंक से आपको जाने की जरूरत नहीं है, बैंक आपको पैसा प्रोवाइड बिल्कुल नहीं कर रही है, पैसा आपको प्रोवाइड जो कि गवर्नमेंट कर रही है नया उद्योग लगाने के लिए। अगर आप भी इच्छुक है नया उद्योग लगाने के लिए, खुद का बिजनेस करने के लिए, तो स्टार्टअप बिहार की मदद से लोन ले सकते हैं। पूरे 10 लाख आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री का नई योजना जो कि बिहार में जो कि लागू किया गया स्टार्टअप बिहार ठीक है। स्टार्टअप बिहार अदर स्टेट में है या नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन बिहार में अभी अवेलेबल। अगर बिहार स्टेट से आप आते हैं तो आप इजी प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टअप बिहार का जो कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं ठीक है। और मैं आपको कुछ सारा कुछ डिटेल स्क्रीन पर भी मैं दिखाया हूँ, जो कि स्टार्टअप बिहार की मदद से आपको जो भी पैसा दिया जाता है इसमें इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना होता, बट आपको एक भी पैसा माफ नहीं होगा, यानी कि 10 लाख को 10 लाख आपको रीपेमेंट करना होगा। और इजी प्रोसेस से स्टार्टअप बिहार की मदद से आपको लोन अमाउंट जो कि दिया जाता है। उद्यमी योजना में 2-4 लोगों को जो कि पैसा दिया गया होगा जो कि आपके समाज में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टार्टअप बिहार में सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें होता है क्या, सारे लोग को तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप इच्छुक हैं ठीक है, करने के योग है, अगर आप में है तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में थोड़ा तेजी से आपको काम फास्ट दिखाना होगा, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए फास्ट कहने का मतलब जो भी आपके संपर्क में जो लोग आते हैं, जो भी पदाधिकारी होंगे उनसे अच्छे से व्यवहार करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको लोन अमाउंट जो कि 10 लाख आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पर सिविल स्कोर वगैरह नहीं रखा जाता, जैसे कि आपको बिजनेस करने के लिए दिया जाता है, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड तो लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट आपको पैसा देती है जो कि बैंक देती है, तो सिविल स्कोर जो कि चेक किया जाता है, लेकिन जो कि आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है इसलिए आपको यहाँ पर सिविल स्कोर चेक नहीं किया जाएगा। भले आपका सिविल स्कोर खराब है फिर भी आपको यहाँ पर लोन 10 लाख जो कि लोन डायरेक्ट अमाउंट दिया जाएगा, तो आप लोग अच्छे से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अभी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आकर बताइएगा इसके बारे में जो भी कुछ समझना हो। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी अदर जानकारी के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।